What an absolute champion, Virat Kohli. What an absolute champion. This is what Virat Kohli is. This is why he is called King Kohli. This is why he is loved all around the world be it Pakistan, be it India, be it anywhere in the world. राट कोहली फॉर यू विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते चार चांद विराट कोहली को लग जाते हैं दिस इज वॉट विराट कोहली सिंगल हैंडेडली इंडिया को यह गेम जीतवा दिया जब पाकिस्तान ने कमाल की बॉलिंग करके इंडिया की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी लेकिन विराट कोहली जो वन पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ पचास के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे इवेंचुअली वो पूरा गेम सिंगल हैंडेडली खत्म करके चले गए फिफ्टी थ्री बॉल्स में एट्टी टू रन चार छक्के चार छक्के चौके और 154.71 का इस वजह से कहते हैं कि किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली आज हमारे यहां किसी को जवाब मिल गया होगा चार कैचेस वहां छूटे थे जंपे क्यों मार रहे थे इसलिए कहते हैं बॉस किसी को नीचे मत दिखाओ क्योंकि वो अगर इस दुनिया के किसी मकाम पे पहुंचा है किसी स्टेज पे जाके बैठा है तो वो कुछ करके पहुंचा है उधर वो ऐसे ही नहीं पहुंचा वो चने बेचते हुए वहां नहीं पहुंचा इसी वजह से इसलिए so humble, humble, humble. Is. Is नहीं क्योंकि सिर्फ उसने आज दिल इसलिए धुखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया लेकिन यह अनबिलीबल चीज है दुनिया में कोई भी क्रिकेट का लवर होगा वो आज इस गेम के नीचे आके विल बो इन फ्रंट ऑफ विराट कोहली एंड से येस यू आर द किंग फॉर द रीजन इस हाई इंटेंसिटी प्रेशर मैच के अंदर जिस तरह विराट कोहली ने अपने नर्व को कंट्रोल रखा जिस तरह विराट ने पूरी पाकिस्तान के कमाल बोलिंग को क्योंकि पाकिस्तान से कोई क्रेडिट नहीं छीन सकता कि हंड्रेड एंड साठ का एक ऐसा टारगेट एक सौ साठ का जो कि इंडिया की बोलिंग लाइनअप के सामने इंडिया की बैटिंग लाइनअप के सामने शायद इतना नहीं लग रहा था उसके ऊपर दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट आखिरी ओवर क्योंकि हमने गलती की थी हमने नहीं खिलाया था पेसर यही लग रहा था आसे आसिफ आसिफ को खिला लो आसिफ को खिला लो बैटिंग हो जाएगी हम बैटिंग को डरते रहेंगे यही होगा चीन अब पाकिस्तान पाकिस्तान फोर्ट वेल बट दिस वाज विराट कोहलीज गेम या पाकिस्तान से आज कोई नाराजगी नहीं मुझे सिर्फ खुशी इसलिए है क्योंकि विराट ने इतने प्रेशर तीन साल पूरी दुनिया से एक प्रेशर में आने के बाद कि नहीं ये नहीं कर सकता ये खत्म हो गया ये खत्म शोद हो चुका आई एम हैप्पी फॉर द फॉर द पर्सन आई एक्चुअली फॉलो लेकिन आई एम सैड फॉर पाकिस्तान लेकिन टफ लक पाकिस्तान क्योंकि जब इतने क्लोज गेम्स होते हैं आपको शायद अफसोस उतना नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान ने कमाल की बॉलिंग करी एक पाकिस्तान में सिलेक्शन से गलती हुई कि पाकिस्तान ने एक पेसर कम खिलाया अगर पाकिस्तान एक पेसर ज्यादा खिलाता तो जो ओवर हमको स्पिनर्स को आठ ओवर देने पड़े हमको वो सिर्फ चार ही देने पड़ते हो सकता है वो चार ओवर हम शदाब को देते क्योंकि शदाब इतनी कमाल का स्पेल करके गए बट इट वॉज विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली

आई बिलीव इन एंड दैट इज विराट कोहली लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरी टीम के खिलाफ ही किंग कोहली आपने करना था चले कोई मसला नहीं क्योंकि टीम ने मेरी बड़ा जबरदस्त फाइट दी जिस दिल से बॉलिंग की है जो इंटेंसिटी फील्ड में दिखाई मुझे आज कोई नाराजगी नहीं पाकिस्तान के साथ बैटिंग में चूके हैं कुछ लेकिन जिस तरह तरह पहले शान और ने ने बैटिंग में फाइट बैक की उस तरह फिर इन लड़कों बॉलिंग डाली ठीक है गलतियां हो जाती हैं हम को शायद जज नहीं कर सके कि नहीं जी हमको चार पेसर खिलाने चाहिए थे बस एक पेसर की कमी ने पाकिस्तान को यह मैच हरवाया वरना पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एज ए टीम क्रिकेट खेली है लेकिन विराट कोहली का जिस दिन दिन होता है विराट कोहली जिस दिन प्रेशर एब्जॉर्ब करता है विराट कोहली जिस दिन चलता है उस दिन फिर वही चलता है और दुनिया खड़े होकर उसका शो देखती है और दुनिया खड़े होकर वो तमाशा देखती है कि ये क्यों इसको दुनिया इसको किंग बोलती है क्या किसी के घरों में राशन डलवाता ही है आज शायद एक यहां भी बैठे हुए पाकिस्तान में एक साहब को जवाब मिला होगा कि हाँ जी आज तो कैच नहीं छूटा आज कितने कैच छूटे तो किसी से क्रेडिट मत छीना करें जब उसका वो क्रेडिट होता है ब्रिलियंट गेम बाबर ने बड़ी अच्छी कप्तानी की बाबर ने लड़वाया जिस तरह अपने बॉलर को लेकिन गलतियां होती हैं तभी एक टीम जीतती है एक टीम हारती है लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक दफा फिर ये लास्ट तीन गेमों में से जो हमारे हुए हैं वो इतने क्लोज इनकाउंटर्स हुए हैं आखिरी आखिरी बॉल की फिनिश हुई है शायद इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी यही चाहती है नब्बे का क्राउड आज यहां बैठा हुआ था ऑफिशियल काउंट बता रहा हूं नब्बे लोगों ने जो ये गेम देखा है आई गेस पाकिस्तानी हो या इंडियन हो उन सबका पैसा वसूल हो जाएगा ब्रिलियंट 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 बाय विराट कोहली एंड दिस इज द किंग कोहली फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू सी दैट वाई ही इज कॉल्ड द किंग पठान खान कहते कोहली इज एन जीनियस द द्रिटिस्ट चेसर एवर Even four down, it was never over till we got Kohli. Asif Ali must be dropped. Utter useless. But, I won't use this word. But Kohli ko that he is the greatest chaser of the modern day era. He is unbelievable. What an unbelievable performance by Virat Kohli. I just couldn't hold my breath right now <laughs> Virat Kohli, lone warrior. Tha. Wow, man, wow! It is coming against my team, which feels awkward. क्योंकि बहुत सारी दफा मैं कहता तो हूं कि हाँ जी कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ आगे विराट मार दे लेकिन लेकिन अंदर से दिल थोड़ा सा होता है ब्रिलियंट 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 बाय विराट कोहली एंड दिस इज इज इट जिस तरह मैंने बोला था जो गेम ये मैच जीतेगा उसका एक पाउंड सेमीफाइनल के अंदर होगा इंडिया आज अपना एक पाउंड सेमीफाइनल के अंदर रख चुका है पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना बहुत लाजि हो चुका है जो सिडनी के ऊपर है इंडिया फिर भी अब थोड़ी सुखी सांस ले ले सकेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान को रिमेनिंग जो तीन टीम है तीनों को तीनों मैचेस हराने चाहिए

आज जब किस्मत पे लिखा हुआ था कुदरत के निजाम ने आज ये डिसाइड किया हुआ था कि आज का दिन सिर्फ एक ही आदमी का है और उस आदमी का नाम है विराट कोहली तो आज यही होना था कि किस्मत ने ऐसा पलटा खाया ऐसा पलटा खाया ऐसा पलटा खाया कि जो जो टीम, बल्लेबाज पहले ही दूसरे ओवर में आके खड़ा होता है वो बीसवें ओवर तक लेके जाता है गेम को फोर्टी टू फोर्टेन होता है इंडिया और वहां से एक सौ पंद्रह अट्ठारह रन चेस करता है आखिरी दस ओवर में वो भी सिंगल हैंडेडली जब लेफ्ट राइट कॉर्नर बड़े बड़े बल्लेबाज के राहुल तो सूर्या तो रोहित शर्मा कोई कुछ ना कर पाया उसने बोला मैं अकेला करके दिखाऊंगा और ये वो बल्लेबाज है जिसको टीम इंडिया और इंडिया के बहुत सारे जो वा, जो इनको पसंद नहीं करते फैंस वो कह रहे थे नहीं हटा दो दीपक हुडा को लिया और दीपक आपका सोल्यूशन है वो ही खेलेगा निकाल दो विराट कोहली को टी से ये देख लीजिए आप लोग निकाल रहे थे विराट कोहली को और निकालना हो तो हमें दे देना दे भाई हम खुशी से एक्सेप्ट कर तो उससे बड़ा प्यार है ओ माई गॉड लेट मीच कैच माई ब्रेथ किंग कोहली प्रूव वाई ही प्रूवन टू दायर वर्ल्ड राहुल जैन कहते हैं उसने चेस करके दिखाई है ना ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में दैट इज वॉट विराट मेड विराट कोहली वॉट ही है सबको याद होगा दो ये वो जो फेस था जब विराट की

वो सिर्फ उधर ही मौजूद है वो उधर ही मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई करीब नहीं भटकता विराट के क्रेज के ऐसी दुनिया पागल थोड़ी है जो उसके पीछे पड़ी रहती है बट बाबर ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की मैं अमूमन बाबर को क्रिटिसाइज करता हुआ पाया जाता उसकी कप्तानी पे, लेकिन आज मुझे बाबर की कप्तानी से कोई शक नहीं है कि उसने आज अच्छी कप्तानी की वो लड़को मर्दों की तरह आज बन के लड़ा क्योंकि यही क्लोज मोमेंट्स में जब गेम होते हैं तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय एक बंदे से आप ग्रेटनेस उसकी नहीं छीन सकते कि जो आज विराट कोहली ने कर छोड़ा है देखें जी सवेरा मैंने तो आपको तो बोला था बच के रहना किंग आज हेलो हेलो जी हलो। मैंने तो जी, बोला था बुकिंग पुलिस से बच के रहिएगा या हेलो सुशांत कामले कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया विराट व्हाट आई मीन इज इज करंट पाकिस्तान टीम बेटर देन इंडिया नेगलेक्टिंग विराट कोहली बात बिल्कुल सही कर रहे हैं पाकिस्तान इसलिए तो मुझे आज कोई नाराजगी नहीं है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान ने आज बाकी बड़ी कड़ाकी क्रिकेट खेली और बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है इफ इट वॉजन फॉर विराट कोहली विराट कोहली वॉस ओनली वन वो स्टैंडिंग बिटवीन पाकिस्तान विक्ट्री एंड इंडियाज विक्ट्री आज सिर्फ जो विक्ट्री के बीच में जो एक फर्क था वो विराट कोहली है साफ सीधी सी बात है आज जिस तरह विराट ने ये पूरी चीज को प्लान किया जिस तरह उसने पूरा इप्स, प्रेशर एब्जॉर्व किया आपको दुनिया में मिसालें नहीं दिखती हैं बल्लेबाजों की ये जो बहस हमेशा दुनिया में लगी रहती है ना वो बुरा है वो अच्छा है इसको क्यों किंग बोलते हो उसको क्यों नहीं किंग बोलते वो आज साबित हो गया ये चैप्टर जिंदगी भर के खत्म हो गया है मतलब ये आप नहीं छीन सकते क्रेडिट क्योंकि जिस तरह अगर आपने देखा और आपने पूरी को देखा है एक्चुअली अ सम प्लेयर यू कैन नेवर काउंट आउट विराट कोहली इज जस्ट मैग्निफिसेंट इन द वे बिकॉज हाउ ही फाइंड्स हिज गैप ही कीप्स ऑन मूविंग अराउंड और जिस तरह आज तो ये बात को कोई देख ही नहीं रहा ना कि डबल को ट्रिपल और सिंगल को डबल्स में किस तरह कन्वर्ट किया है एडवांसिंग स्टाइटली शिफ्टिंग चेंजिंग इज बॉडी शेप चेंजिंग इज बॉडी पोजिशन मनूवरिंग इज स्टाइल कि वो दूसरों को मजबूर करे कि तुम मेरी तरह खेलो और मुझे इस तरह की जोन में बॉल दो कि मैं मारू और एक वन पॉइंट ऑफ टाइम तक जो एक बल्लेबाज पचास से भी नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलता है उसको कितनी बड़ी एक्सेलरेशन चाहिए वो पचास के स्ट्राइक रेट को डेढ़ सौ पे ले जाने के लिए कभी बैठ के सोचिएगा है हैं नवाज, नवाज, नवाज को तो उनकी बैटिंग की वजह से भी खिलाना जरूरी था एक अगर पेसर होता ना तो लोड शिफ्ट हो जाता क्योंकि आप देखें अश्विन ने तीन ओवर डाले अक्षर पटेल का 21 रन का ओवर किया तो वहां से रोहित रोहित शर्मा ने उनको पीछे खींच लिया क्योंकि रोहित शर्मा के बाद

रोना नहीं को रिस्पेक्ट आनी दोबारा को। को, याद दिलाने के लिए ये लेसन बहुत जरूरी था कि भाई साहब जरा रुक जाओ इज गोइंग नो वेयर ही इज राइट हेयर वो इधर ही है वो इधर ही बैठा हुआ है वो इधर ही है खत्म नहीं हो रहा लोगों ने रिटायर करवा दिया लोगों ने खत्म कर दिया सवेरा मैंने तो आपको बोला था विराट नहीं विराट कोहली का दिन लग रहा है मुझे मैंने यही कहा था आपसे कि प्लीज विराट के अच्छे खेलने की दुआ नहीं करिएगा वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल ग्रेट प्लेयर ही इज एंड दिस इज वॉट शोज वॉट प्रेशर टू यू जो सब कुछ नवाज के साथ आखिरी ओवर में हुआ इट वॉज प्रेशर इंडिया ने एक दफा नहीं इंडिया ने दो दफा कम किया इंडिया ने पहले कम किया मगर उसके बाद पाकिस्तान ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद इंडिया केम बैक एंड आई विल नॉट ब्लेम नवाज बिकॉज इतने हाई प्रेशर मैच में आखिरी ओवर हो और वो सोलह रन बचाने थे बहुत मुश्किल काम था बहुत ही डिफिकल्ट काम था आई ब्लेम ब्रिलियंट मैच लास्ट बॉल मैच लास्ट बॉल फिनिश और एक वक्त तक तो हमें लग रहा था भाई अब सुपर ओवर की आवाज आने वाली है विराट कोहली इज अ किंग फॉर अ रीजन सवेरा लेकिन पाकिस्तान का ब्लेम से ज्यादा आज हमने जो एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया जिसके लिए हम चीखे जा रहे थे चीखे जा रहे थे खिलाफ जा टीम मैनेजमेंट को भी एक झटका मिला होगा कि भाई साहब करो बाहर की क्योंकि शायद जो टीम मैनेजमेंट ने की थी बाहर बैठे हुए लोगों ने ज्यादा कर ली लेकिन नो कम्पलेट फ्रॉम दिस प्लेइंग इलेवन क्योंकि बाबर और लड़कों ने बहुत जान मारी बट अली अली बहुत जान मारी मगर आप जहाँ बाबर की कैप्टनसी की बात कर रहे थे तारीफ कर रहे थे एक चीज मैं जरूर कहूंगी बस सवेरा आप कहती रहे हैं आज आपका आपका जो एम 90,000 लोग के बाद वो थाउजेंड लोग जो है, है ना वो इंटरनेट चैट नहीं चलने देंगे लेकिन हम जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑन दीज थ्री ईयर बात तो बिल्कुल सहीस्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे मुसलसर डिस्कनेक्टिविटी आती रहेगी बड़ा मुश्किल है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होना लोग मेरी तो बात भी हो रही हो रही है आप लोगों से मरना लोगों का तो इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा जी जी कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें कुछ बोल रही थी आप हमारा मोमेंटम भी खराब कर रही हैं खुद भी आपको मजा नहीं आ रहा तो आप अभी कनेक्ट करें दोबारा हम आगे बढ़ते हैं जेनी uh, एम कहते हैं एली बाइ टोल यू अक्षर एट फोर बड इंडियन वर्क आउट वेरी हार्ड ब्रेकिंग लॉस आई वाज होपफुल दैट बट नो बॉल बाई शाइन इज नॉट एफेट इन द लास्ट ओवर शाइन वॉज इवन इफेक्टिव इन द इनिशियल ओवर इज वेल क्योंकि शाइन हंड्रेड फिट नहीं है आज ये चीज ही हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे शाहन इज नॉट हंड्रेड परसेंट फिट ओनली इफ शाहन वॉज हंड्रेड परसेंट फिट आपको शाहीन की तरफ से यहाँ वही जिप और वही आपको पेज दिखती शाहीन की वो पेज भी नहीं दिख रही थी बट यू uh, के जिस तरह क्या uh, कहते हैं जिस तरह परफॉर्मेंस की है

गाड़ी बैठे में इतने बड़े बड़े मोहम्मद यूसफ इतने बड़े बड़े लेजेंड सकलेन मुश्ताक अब इतना बड़ा शॉन टेट जो कि वहां उन कंडीशन में खेलता है इतना बड़ा मैथ्यू एडन उसको नहीं पता था कि जी चार पेसर आपने यहां खिलाने और अगर चार पेसर उन्होंने नहीं खिलाए तो उनका क्या वो वो है क्या कहते हैं उनका क्या इनपुट रहा यहाँ आपने टीम को किस लिए ब्लेम करना है जाइए ब्लेम कीजिए और हर्ट हर्टफुल हर्ट हुई है उससे उनसे हर्टफुल हुई है जो कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम ये हमारे ये इशूज है ये वाले ये जो इश्यूज हैं ये जो हमारे आ, टीम मैनेजमेंट है ये इनके इश्यूज हैं तो ये इश्यूज हैं हमारे खैर सवेरा को ज्वाइन करा लेते हैं सवेरा आप समा वाला शो ज्वाइन कर लें बाद में फिर हम आपको रिकॉर्डेड आप दे दीजिएगा समा वाला शो ज्वाइन कर लें मैंने आपको मैसेज भी कर तो फिर मेरे ख्याल से आधी वो सुन लेना चाहिए वर्णा आदि तो हम क्रिटिसाइज करने पे बैठी होती है मैंने आपको तीन दिन से ये बात मुसल कर रहा हूँ एक ही बात कर रहा हूँ लोग हो सकता है तंग आ गए रिपीट किया जा रहा है आगे पड़ा हुआ बॉल आप उनको सब कॉन्टिनेटल पोजिशन में

दास uh, गुप्ता कहते हैं अ वॉड व इनिंग्स कैन द वर्ल्ड अगेन ही बाई इज द बेस्ट इन द बिजनेस इज एब्सोलूटली बेस्ट इन द बिजनेस एंड ही इज़ ट्रूली शोट द वर्ल्ड वंस अगेन

पेसर चाहिए था क्योंकि हमारा स्कोर कम था हमने एक एक्स्ट्रा एक बैटर तो खिलाया कि वो हमें रन देगा भाई वो नहीं दे रहा आपको रन बस करते हैं इफ्तार के ऊपर हमने भरोसा दिखाया इफ्तार ने आज इस प्रेशर में प्रूव करके दिखाया तो तारीफ बनती है इफ्तार की वही शान मसूद हैं जिनको दो दिन पहले तक कह रहे थे जो तो की टीम से बाहर इस पर्ची को तो तुम लोग ले आए हो और हमको लोग बातें सुना रहे थे लेकिन देख ले भाई जिनको आप बातें सुनाएंगे और अगर उनके अंदर टैलेंट होता है वो अपने आपको एब्जॉर्व करते हैं अब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठ के यहां मॉकिंग कर रहा था कि जी चार कैच छोड़ गए अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी थी वो आज हमारी नंबर वन बॉलिंग अटैक जो की टी ट्वेंटी पूरी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे टॉप बॉलिंग अटैक बोला जा रहा है आज उन्हीं के

कुछ कैच को ड्रॉप करने के बाद अब बिटर क्यों हो गए उनके ऊपर मैं इसलिए बिटर हुआ था क्योंकि मैं एक आदमी के लिए जो अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में तो वाह 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 करता था जब वो यूट्यूब पे होता था अब वो एक पोजीशन पे चले गए हैं तो वो बैठ के वहां मॉकिंग कर रहे हैं और मैं उनको इसलिए सपोर्ट करूं क्योंकि वो उस पोजिशन पे बैठे हैं मैं डिस्क्रेडिट कर दूं एक बंदे का खेल मैं डिस्क्रेडिट कर दूं कि एक बंदे के अंदर क्या टैलेंट है मैं दुनिया को छोड़ दूं कि नहीं विराट कोहली क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते मैं ये मानना बंद कर दूं कि उस बंदे की इकहत्तर सेंचुरियां किस तरह बनी एक आदमी ने बोल दिया चार कैच छोड़ गए तो तमाशा बना लो हा 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 चार के छोड़ दिए देखा कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया एंकर्स को अब बताइए किस किसको मुंह तोड़ जवाब मिला वो तो आप लोग बड़े खुश हो रहे थे वाह वाह सवेरा को वाह सवेरा के शो में मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि विराट के चार के छूटे और तुम लोग सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे लो जी मिल गया जवाब वो खाबी लामी करता है ना वो यही होता है वैसे ही हुआ है खाबी की तरह किया उसने अली भाई हार्दिक पांड्याप किस किंग, किंग हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बोलिंग की है बात तो कि 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 किंग हार्दिक पांड्या ने जो एक एंड कंट्रोल करके रखा आई गेस उसका भी बड़ा क्रेडिट जाता है जिस तरह उसने ये कंट्रोल करके रखा बट बिकॉज वी वर वन बॉलर शॉर्ट नवाज को ब्लेम करने से बेहतर है हम अपनी टीम मैनेजमेंट को ब्लेम करें क्योंकि इसमें नवाज की गलती नहीं थी वो आखिरी ओवर फेंक रहा था टेक्निकली आखिरी ओवर या तो नसीम को फेंकना चाहिए था क्योंकि हम हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी क्योंकि अभी हमको विराट और हार्दिक आउट नहीं हुए थे तो इस वजह से हमने विकेट विकेट टेकर्स लगा टेकर्स लगाए कौन थे थे हमारे पेसर्स आखिर में एक ओवर शॉर्ट पड़ता था आपको मजबूरी थी आपको वो जुआ खेलना था कि आपका उन्नीस ओवर जाए शाहीन ने और आपका हारिस ने और नसीम ने आपको डेथ में जो बॉलिंग करके दिए दुनिया में बॉलर आपको बॉलिंग नहीं करके देते स्पेस के साथ हारिस रोड से आप वो क्रेडिट नहीं छीन सकते नवाज आप को ब्लेम नहीं कर सकते आज का मैच अगर पाकिस्तान किसी वजह से हारा है ना बाबर को ब्लेम करें ना रिजवान को ब्लेम करें आप वो बैठे हुए जो हमारी टीम मैनेजमेंट में इतने बड़े-बड़े चैंपियंस और लेजेंड्स है ना ये उनको जाके ब्लेम करें कि भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हैं व्हाट वाज योर रोल ठीक है ना इंडिया आपसे बाजी ले गया या प्लानिंग के ऊपर और अपनी राइट 11 के ऊपर दे हैड फोर पेसर्स दैट्स अबाउट इट

कुछ रन मैनेज कर सका पावर प्ले के अंदर तो पाकिस्तान ने दिखाया एक चौथे बॉलर, बॉलर की कमी वो ब्लेम आप इन लड़कों पर नहीं डाल सकते और दूसरी चीज आप सबसे बड़ा फैक्टर विराट कोहली का की उसकी एक्सिलेंस उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते एक बंदा अगर तीन साल तक फॉर्म में नहीं था दुनिया ने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया हम मजाक उड़ाना शुरू हो गए हम मॉक करना शुरू हो गए सोने पर सुहागा एक बोर्ड का चीफ मॉक करना शुरू हो गया सामने आज आपके आ गया एंड दिस इज व्हाट अ ब्रिलियंट मोमेंट आई एम श्योर जब विराट आज बैठ के जब रिफ्लेक्ट करेगा इस इनिंग्स को ही वो ट्रूली से दैट विराट किंग कोहली इज बैकअप शायद एंड

आज मेरा ऐसा दिल है कि मैं लिटरली इन जाके लड़कों को दिल से लगाऊं और बोलूंगा चल यार कोई नहीं लड़के हारे हो देखो जब पाकिस्तान लड़के हारेगा ना मैं आखिरी बंदा बंदाउंगा जो बैठ के प्लेटफॉर्म पर तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मुझे जरूरत ही नहीं आज मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि जब वो विराट ने आखिरी <laughs> जब ये खत्म कर दिया था और आखिरी में जब अश्विन ने मारा लिटरली आई मैं इमोशनल हो जाऊंगा इस बात पे लेकिन मैं लिटरली मेरे I had a tear in my eye और मैं भी बोलते हुए emotional हो रहा हूँ कि दव... बाबर का shot आया शादाब का शॉर्ट है मैं दिल किया गले लगा लू इनको एमसीजी में कि चलो कोई नहीं boys you fought well पाकिस्तान ने आज पूरी जान मार दी इस total के ऊपर इंडिया को मैं मानता था कि पाकिस्तान बैट फास्ट करते हुए 190 200 बनाएगा इंडिया तब भी टफ टाइम देगा। पाकिस्तान ने इंडिया को 160 भी इतना टफ टाइम दिया ओए होए होए मजा आ गया टू द एंड ऑफ वायर इसलिए मुझे आज कोई कंप्लेन नहीं है आई एम प्राउड ऑफ माय बॉयज दे हैव माय सपोर्ट ऑल थ्रू द वर्ल्ड कप आई वोंट बी क्रिटिसाइजिंग देम इन टुडेज मैच बिकॉज़ आई बिलीव दैट पाकिस्तान प्लेड वेरी वेरी गुड क्रिकेट और क्योंकि आखिर में एक टीम ने जीतना होता है एक टीम ने हारना होता है आखिरी बॉल मोमेंट तक गया नवाज की कोई गलती नहीं है सो प्लीज डोंट पिक ऑन दिकीम मैनेजमेंट इज दे आर द रीजन वाई पाकिस्तान एक्चुअली लॉस्ट दे आर द रीजन के नवाज ने आखिरी ओवर क्यों डाला दे आर द रीजन कि जब सात बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकेंगे तो आठवां क्या कर लेगा दो रन कर लेगा मेरी बात पर आप यकीन रखें मोहम्मद वसीम आपको किससे ज्यादा रन करते थे जितने अभी करके दे रहे हैं आपको होस् uh, कहते हैं विराट कोहली द द ग्रेटेस्ट चेजर एवर ऑन प्लेनेट पाकिस्तान बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द टूर्नामेंट आई हैव नेवर सीन सच इसलिए तो मुझे अफसोस नहीं है ये जो होस्ट लिख रहे हैं विराट कोहली द ग्रेटेस्ट चेसर इन पाकिस्तान बॉलिंग अटैक इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ दिस वर्ल्ड कप आज मुझे अपने पेसर देख के ना मेरा सीना ये चौड़ा था और आज मेरा सीना डबल चौड़ा हो गया क्योंकि एक तो विराट ऊपर से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक

क्योंकि पाकिस्तान एक पेसर शॉट था लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की है तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप इंडिया वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट जिस तरह उनकी बॉलिंग ने यहाँ रिस्पॉन्ड किया है जिस तरह की उनकी बॉलिंग यहाँ चढ़ के आई है जिस तरह उनकी बॉलिंग के जो वोज आने से पहले या अंडर रेट किया जा रहा था तो मैं आज ही कहना बिल्कुल मुनासिब समझूंगा कि इंडिया की बॉलिंग अटैक को अंडर किया जा रहा था और अंडर इंडियन बॉलिंग अटैक ने आज जिस तरह परफॉर्म करके दिखाया सो टू टू हार्ट्स ऑफ हाउ दे वेल ठीक है इनिशियली कंडीशंस uh, या था पिच के ऊपर uh, लाइव ग्रास को रोल इन किया हुआ था नई बॉल या मुश्किल थी जिस तरह माइकल क्लार्क ने भी बोला था या uh, पिच को रीड करते हुए लेकिन जिस तरह आपने एग्जीक्यूट किया अर्जदीप और भुवेश्वर कुमार ने शुरू के तीन चार ओवर इट वॉज ब्लडी अनप्लेबल अनप्लेबल डिलीवरीज की और स्पेशली जिस तरह वो अर्जदीप ने आउट किया है क्या वो बॉल अंदर आया क्या कहते किस तरह वो बॉल पहले यू अंदर आया फिर यू बाहर निकला है वो बॉल बाहर निकला है डिलिवरी दैट वॉज अ ब्यूटिफुल 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 डिलीवरी और आपको वही मैं कहता हूं कि कोई भी आप किसी भी अः क्या कहते किसी भी आप मैदान में खेल रहे हो आपको जबरदस्त किस्म की अः सीम सुंग भली क्यों ना मिल रही हो आपको राइट में पिच करना होता है ऑफ द सरफेस लेने के लिए पाकिस्तान विराट कोहली एटी टू रन तीसरे थे सूर्या कुमार यादव पंद्रह रन और फिर थे थर्टी सेवन बॉल पे चालीस रन खेलने वाले हार्दिक पांड्या मैं विराट या सूर्या कुमार यादव की जरूर बात करूंगा सूर्या कुमार

बड़ी जान मार के और बड़ा जबरदस्त खेल के जीते हैं और जब लड़के इस तरह जान मार के और जबरदस्त खेल के जीतते हैं तो मेरे ख्याल से बल्ले बल्ले भी होती है आपको खुशी भी होती है आपको अपनी टीम के ऊपर भी खुशी होती है की एटलीस्ट आपकी टीम ने जान मारी आपकी टीम ने चैलेंज किया वन साइडेड नहीं हारी तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की कि हम वन साइडेड नहीं हारे हमने यहाँ लड़ाई की फड्डा दिया और बाबर ने जिस तरह लड़कों को लीड किया गुड जॉब बाय बाबर आजम नवाज शूडेंट है, सीमर कीपिंग बैक ही ट्रस्ट है बॉलिंग। उसने ट्रस्ट नहीं किया बिकॉज़ आपको दिख रहा था कि पेसर्स कंट्रोल कर रहे हैं स्पिनर को यहाँ मार पड़ी है आपके पास एक पेसर नहीं है दैट्स वाई क्योंकि नवाज का करियर एज अ मीडियम पेसर ही शुरू हुआ था तो नवाज ने जो आज से बचपन में करियर शुरू किया था ना वो आज अपनी बचपन की स्ट्रिप पे वापस चला गया नहीं हो सका वो होता भी नहीं क्योंकि ये कसूर टीम मैनेजमेंट का है कसूर बाबर का या हमारे लड़कों का है नवाज का नहीं है कॉन्ग्रेचुलेन फ्रॉम यू एस अली बाई विराट इज एंड बिलीव मी पाकिस्तान विल अजेंको हंड्रेड से बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली गिफ्ट के लिए आप लोग को दिवाली तो ऑल दो कल है लेकिन अर्ली दिवाली गिफ्ट के लिए मेरी तरफ से सवेरा की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग खुश रहिए हमें दुआ में याद रखिए मुझे भी याद रखिए में सवेरा को भी याद रखे हमारे बच्चों को भी याद रखे इस वाली वीडियो को लाइक भी अगर कभी तक लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ सिर्फ तीन हजार लाइक तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे सफर में साथ दें हम ये पूरी एक्सक्लूसिव कवरेज ऑस्ट्रेलिया से आप के लिए लेकर आ रहे हैं अभी सवेरा भी एमसीजी के बाहर से कनेक्ट हो जाएगी वो भी आपके लिए अभी एक्सक्लूसिव से चीजें लेकर आएगी सारा दिन सुबह से वो आपको एक्सक्लूसिव दे रही है दिखा रही है सारा के क्या क्या एमसीजी के बाहर चल रहा है ताकि ये भी पूरा वर्ल्ड कप हम फाइनल तक इसी तरह आपको कवरेज देंगे तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करिए लाइक चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सो इट विल हेल्प अस एज वेल टू ग्रो एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स और हमको भी यहाँ मोटिवेशन की कह हम अच्छा काम इसी तरह करते रहे रोहित बनना कहते हैं अली भाई हार्ट लक شاہین डाइवड एंड शदाब वाज नॉट हैप्पी ग्रेट मैच जो शॉट ऑफ हार्ट अटैक हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली टू यू टू रोहित एंड योर फैमिली आपकी बेटी को भी विराट कोहली किंग फॉर अ रीजन ग्रैंड कॉन्फिडेंस ग्रैंड कॉन्फिडेंस या अनंत कुलकर्णी कहते हैं हाय अली भाई ग्रेट मैच मैचेस आई डिन वॉच कोहली बैट पोस्ट 21 वर्ल्ड कप ही स्कोर 122 एंड टू आई डोंट नो whether to be happy or sad ऑलवेज लव लव योर कंटेंट आई लव यू गाइस एंड हैप्पी दिवाली टू यू टू

but say how virat took the game away uh, that, is, that is a testament rather than blaming in individuals i want to appreciate the opposition uh, i have seen tears in virat's eyes why wouldn't, why wouldn't you see the tears in his eyes he has passed that moment in Virat virat kohli is sitting at the top of the world people actually brought him him down and told him that that. you 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 are nothing, were 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 a a fraud, you a fluke, you this, था बच्चों को मारता है ये है आज विराट ने दुनिया के सबसे बेहतरीन टी ट्वेंटी बॉलिंग अटैक के सामने मैच जीत के दिखा दिया सिंगल हैंडेड ली जब उसकी पूरी टीम डाउन एंड आउट है वो अकेला खड़ा होता है और बोलता है होल्ड माय बैट

रन ही कम हुआ एक एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता अच्छा उस नो बॉल की बहस जितना मैंने क्योंकि इतना हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशन था उस वक्त के वीडियो भी तैयार हो रही है ये भी हो रही है फला भी हो रहा है फॉरन लाइव भी आना मैं ऑस्ट्रेलिया भी कॉर्डिनेट कर रहा हूँ सफेरा के साथ तो बड़ा मुश्किल था उस चीजों को देखना लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि एक नो बॉल से इतना बड़ा डिफरेंस सारी जिंदगी में आ जाए क्लोज मैच था एक ने जीतना था एक ने हारना था पारस अरोरा कहते हैं फील फॉर हारिस पारा ही बॉल ब्रिलियंटली ट्वेंटी टू ग्रेट बॉल्स बट गोट किंग कोहली टेक्स डाउन इन टू टू बॉल्स अ ग्रेट ग्रेट सक्सेस दैट्स क्रिकेट फॉर यू लाइफ टू टफ ऑन स्पोर्ट्स इन वन मिनट ना हीरो स्टिल अ हीरो बिकॉज हम ये बात मान रहे हैं कि हारिस ने आज बॉलिंग की शुएब जैदी कहते हैं सलाम अली भाई मैं आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हूं जैसे दोनों तरफ टीम लड़ी बाबर की कैप्टनसी अच्छी थी कोहली की बैटिंग तबाही क्या बोलते हैं आप राइट बिल्कुल सही कहते हैं शुएब जैदी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी पाकिस्तान ने दिल दिल लगा के यहां लड़ाई की अब बोले वो लोग जो कि चार कैचेस के ऊपर और उनके जो छोड़े हुए मार्केट के अंदर लोग है ना जिनको मैं प्राउडली पिल्ले कहता हूँ जो पिल्ले है ना पिल्ले वो वेल पेड वेल पेड वेल पेड वाली बात कर रहे थे लो जी आज किसको पे की? आज हम पे हुए हैं कौन पे हुआ है आज किस मुह से बोलेंगे वेल पेड

शाहन के दो ओवर बचे थे वो शाहीन को पहले लेकर ऊपर उस जगह पे जाओ उसको आइडियली नवाज से वो एक और ओवर नवाज कोटा खत्म करना चाहिए था लेकिन चा, क्योंकि जिस तरह प्रेशर बिल्टअअप हो रहा था बाबर ने वहां शाहीन को लगाया कि वो विराट या हार्दिक की विकेट निकाले लेकिन शाहीन साहब विकेट किसान एक्सपेक्ट कर सकते थे जब वो फुली फिट नहीं है फुली फिट. मैं आज पहली दफा इतना बड़ा पाकिस्तान गेम हारने के बाद मैं अगर बैठा हुआ बाबर की तारीफ कर रहा हूँ ये उसने बुरी कप्तानी नहीं की बाबर आजम बाबर आजम द कप्तान मैंने कभी इस तरह फील नहीं किया उसके लिए मेरा दिल करेगा मैं खड़े होके उसको गले लगा लू बोलो चल भाई कोई मसला नहीं है आई वॉन्ट एम अ गुड हक भाई इट्स ओके ऑल इज वेल ऑल इज वेल चिल जीतोगे आगे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पता है प्रेशर जरूर आ गया सेमीफाइनल स्पॉट का इंडिया का एक कदम पहुंच चुका है सेमीफाइनल के अंदर लेकिन दूसरा स्पॉट खाली है वो हम जाएंगे साउथ अफ्रीका को मारके भरोसा रखें पाकिस्तान विल बीट साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान विल गो इन टू द सेमीफाइनल अलोंग क्योंकि अब तो दोबारा इंडिया पाकिस्तान चाहिए और दोबारा एमसीजी पे चाहिए क्योंकि फाइनल इधर एमसीजी पे तो लंबा वर्ल्ड कप है दिलों को थाम के रखे एक और इंडिया पाकिस्तान होने लगा है हम अपना खेलेंगे वर्ल्ड कप फाइनल

इंडिया के पासिकल लग्जरी है कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जो कि चौथा पेसर है और पावर हेटर भी है, है पाकिस्तान के पास वो प्लेयर नहीं है हमने फहीम अशरफ को बनाया उसकी थोड़ी सी फॉर्म खराब हुई हमने उसको बाहर निकाल दिया ये गलतियां हैं हमारे पास हमारी सिलेक्शन की गलतियां हैं हमारी टीम मैनेजमेंट की गलतियां हैं हमारे सिलेक्टर्स की गलती है ना कि इन लड़कों की इन लड़कों से तो फुल मार्क्स है जिस तरह इन्होंने फील्डिंग में जान लगा दी एक को डिफेंड करने के लिए और ऑलमोस्ट गेम जीत लिया था अली भाई उमरान को ना बुला के इंडिया ने गलती की मानो ना मानो आज जो इंडिया ने बॉलिंग परफॉर्मेंस किया अगर ये बात मैंने की तो लोग जूते लेके मेरे पीछे भागेंगे अली भाई हार्ट अटैक दिलवाने वाला मैच था बोत ऑफ द टीम प्लेड वेल तो ऑफ द टीम वर प्लेटवे ब्रिलियंट जिस तरह उन्होंने खेला तो आज तो आप दोनों टीमों से शिकायत नहीं कर सकते हाँ इनके स्पेसिफिक कुछ बंदों से आप शिकायत

पाकिस्तान इंडिया और भी दफा जीता है लेकिन इस दफा कंटेंशन क्योंकि अब देखो यार अब मुझे फर्क आ गया है कि इसलिए भी ग्रेटेस्ट मैन इंडिया के लिए हो सकती ओवर अब हो है तो पाकिस्तान टीम पक्का मुकाबला दे रही है इंडिया को ये वो वाला एक सीन नहीं है जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद दो में हो गया था कि जमीन और आसमान का फर्क है अब यहाँ फिफ्टी फिफ्टी का फर्क है अब यहाँ फिफ्टी फिफ्टी पे चीजें खड़ी हुई है वहां भी एक ब्रिलियंट विराट कोहली ना होता तो आज इंडिया ना जीतता इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ विराट कोहली दैट इंडिया

King Kohli, yeah, it wasn't uh, for the uh, light hearted uh, hearted persons. Perfect nail batting thriller, really. So glad I watched cricket. Life Life is a full circle, King Kohli. Life is a full circle, and unbelievable. Virat Kohli is a king for a reason. He has shown the world today why he is an absolute king, an absolute authority when it comes to this kind of batting. Ali, I really don't understand why PCB is not trusting or producing another Razak. Fahim, I felt much better when he played Test Series in New Zealand. आ, वो ड्रेसिंग रूम अनफिट हो चुका है मैं अब ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आज इंडिया के खिलाफ ये डिफीट है सो आई वॉन्ट टू अप माई बॉइस बिकॉज अभी लंबा वर्ल्ड कप है तो आई इसलिए मैं आज एक अठाने की क्रिटिसम नहीं कर अपनी टीम के ऊपर टीम मैनेजमेंट के ऊपर जरूर करूंगा क्योंकि गलतियां यूनी की हैं ये जो नेक्सेस बनाने की हमारी टीम मैनेजमेंट कोशिश कर रही है ना टीम मैनेजमेंट को अभी भी समझ लेना चाहिए नेक्सेस ना बनाई है टीम uh, जो कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है उसको आप देखिए आप यहाँ रोल अपने रोल के ऊपर काम करने आए हैं आप यहाँ किसी के चीफ नहीं बनने आए तो हमारी टीम मैनेजमेंट में जो कुछ लोग हैं जो चीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज ना बने बल्कि उनके जमान में अमीर बनने की कोशिश कर तो अमीर बिल्कुल ना बने या सरबरा इकुनबे के बिल्कुल ना बने आप बताइए कि आपकी जॉब क्यों और आपकी जॉब शॉन्ट सर क्यों क्वेश्चन हो रहा या तो आप आज आपकी सिलेक्शन में कॉल नहीं है अगर आपकी सिलेक्शन में कॉल नहीं है तो आप आगे बताइए क्योंकि अगर शॉन्टेड की सिलेक्शन में कॉल नहीं थी आज आज हम ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट लेकर उससे ये नहीं पूछ सके कि हम इस कंडीशन में चार हमने खिलाने बॉल या हमने तीन फास्ट बॉलर खिलाने जब शाहीन ने अफगानिस्तान की अगेंस्ट बॉलिंग की थी सब लोग बोल रहे थे शाहन इज बैक टू क्रशिंग योक और आज मार पड़ी शाइन फुली मैंने उस दिन भी बोला था शाइन फुली फिट नहीं है मैंने उस दिन भी आप लोग कल रात को भी मुझसे पूछ रहे थे कि शाइन फुली फिट है मैंने कहा कल के मैच का इंतजार करें आपको पता चल जाएगा उसने बहुत एक्सेसिव जान मारी है उसने एक वार्म मैच इंडिया के खिलाफ पहला मैच दुनिया इंतजार करी है आज ही के और रोहित की फिर कट लेगा फिर के और रोहित पूरा एक लाख बंदे में से जितना भी नब्बे हजार बंदे पाकिस्तानी थे घर पे बैठे हुए सब शाहीन होगा वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा शाहीन होगा वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा शाहीन होगा तो इन दोनों कितना प्रेशर लेके वो इक्कीस साल का बच्चा जो कि नींद जिरी से वापस आ रहा है आप उसे परफॉर्म कर सकते थे कि वो अपने फुल परफॉर्म पर पर जो उसने लास्ट दुबई में परफॉर्म किया था दैट वॉज नॉट हंड्रेड परसेंट शाहिद शाहन अफरीदी दैट वॉज हंड्रेड शाहीन अफरीदी आज जो आपको शाहीन अफरीदी दिख रहा था नाइन परसेंट शाहीन अफरीदी दिख रहा था तो जो एक्स्ट्रा यार्ड

इधर भी और उधर भी वो हम इन प्लेयर्स के अपनी जो टसल है ना हमारी कि इंडिया में बैठे हुए को किसी को पाकिस्तान नहीं पसंद और पाकिस्तान में बैठे हुए किसी को इंडिया नहीं पसंद की रिस्पेक्टिव क्रिकेट टीम्स तो वो बैठा हुआ इन प्लेयर्स से उम्मीद करता है तू आज इनका मुंह तोड़ेगा तू आज इनको नीचे दिखाएगा तू मेरी आज जी को पूरी करेगा क्यों करेगा भाई को जो पुशन हम कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमने और खिलाफ जीतना अरे भाई फुली फिट हो जाएगा आगे दस वर्ल्ड कप है वो भी मुमरा अपना छोड़ गया है वो भी मुमरा को छोड़ के आगे या दुनिया को बता रहे मुमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हमें बहुत चीजें हमारे लिए खेलना है अच्छा है वो भी नहीं है वो बाद में खेलने का कोई मसला है नहीं है। हमारे पास जो है दुनिया बोल रही है फजूल बॉलिंग फजूल बॉलिंग इंडिया की ये कोई पेस ये कोई मैच जीते आज वो पेस बॉलिंग पाकिस्तान को अच्छा खासा प्रेशर में देगी उनको कंडीशन मिली तो ये तो बात तय हो गई कि इंडिया को कंडीशन मिली तो अर्शदीप सिंह Will run the ballers, क्योंकि अर्जदीप सिंह ने आज जिस तरह की बॉलिंग हार्दिक पांड्या नहीं की के कर सके। को अक्षर के सामने है पाकिस्तान भाई इतनेटिव क्यों हो गया ऐसा कुछ नहीं हो रहा

और उनके फिटनेस लेवल भी विराट का स्पेसिफिकली इतना सुपीरियर है कि विराट कोहली आज प्रेशर आप के राहुल को देख लो के एल राहुल के एल राहुल रोहित भी आज उनके चेहरे पे इतनी वाकई परेशानी थी कि जैसे वो 2021 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को दोबारा मैच खेल रहे हो और उनको ये लग रहा है कि यार कल हम रात को आउट हुए थे इस तरह अरे भाई ना शाहीन वो जिप है ना शाहीन की वो पे से घबरा क्यों रहे हो आज के एल राहुल रोहित शर्मा के चेहरे पे वो परेशानी थी जो परेशानी विराट कोहली बॉस रॉक सॉलिड फ्रॉम द बॉल नंबर वन द बॉल नंबर लास्ट ही वॉज रॉक सॉलिड एक एक्सप्रेशन के साथ खेला उसने पूरा गेम कहीं आपको उसके चेहरे पे यू हाँ परेशानी अच्छा इतने रह गए पांच में पचपन रह गए अच्छा चार में पचास रह गए अब क्या करेंगे एवरी टीम हैज वर्क आउट आसिफ बोल बोल शॉर्ट पठान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं वर्कआउट कर पा रही तो हमारी टीम मैनेजमेंट और वो हमारे इतने बड़े बड़े बल्लेबाज Uh, जो कोच बन के बैठे में हमारी मैनेजमेंट में समझ नहीं आ रहा डबल स्पीड कंपेटिव एग्जाम कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की is, की बोलिंग 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 इज 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 रियली टू टू गुड बट बैटिंग बैटिंग इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट और लेकिन हमारी सिलेक्शन में या कमी थी ना कि हमारी बोलिंग में खैर इसी के साथ वीडियो को आगे देखने से पहले कोई रिक्वेस्ट प्लीज डू द लाइक द वीडियो कुछ छह हजार बंदा देख रहे होते तो तो होने कम से लाइक like हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें क्या वो आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं बोलते हुए तो जल्दी से वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें थोड़ी देर में एक सवेरा भी वहां आप लोग के लिए

उट ऑफ दौटेस किया इंडिया टू पे था एक सौ अट्ठारह रन इट्स नॉट अ पीस ऑफ अकेक दैट टू अगेंस्ट अ बॉलिंग लाइनअप जो आपको यहाँ सास नहीं लेने देगी और किस तरह उसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया किस तरह उसने आगे प्रेशर एब्जॉर्ब करके वापस प्रेशर ट्रांसफर किया यह आज एक लेसन था मॉडर्न डे क्रिकेट बैटिंग एक क्लासिकल बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अपने आप को जस्ट करके सिंगल हैंडली किस तरह गेम जताता है ये आज लेसन था पूरी दुनिया के लिए व्हाट एन अमेजिंग विक्ट्री मैनी टीम इंडिया मैन इन ब्लू विराट कोहली विराट किंग कोहली और दस्ट ऑफ द बेस्ट एवर कोड बी गुड परफॉर्मेंसारू बेस्ट ऑफ द बेस्ट

Sorry Tembu my friend, you are my best friend Tembu. Uh, nothing to take away from Kohli brilliance that no ball could have been reviewed as Virat was out of the crease. When he played the ball, anyone well, well done Pakistan. अभी match को enjoy कर लो, अभी रात भर पूरी पड़ी है, अभी तो सारी रात conspiracy theory का धंधा चलना, सारी रात conspiracy theory होगी, आज रात अपन conspiracy ढूंढा रात दो बजे तक।

आई डों बिकॉज आई हैव विराट कोहली टू एप्रीशिएट आई बैश मेरे सामने विराट कोहली खड़ा हुआ कि मैं उसको अप्रीशिएट करूँ ठीक है बैश में बाबर की कप्तानी को तो भाई डिस्काउंट ही नहीं देता साफ सी बात है मैं किसी किस्म की लिलियंस ही नहीं देता बाबर की कप्तानी के ऊपर खुल के आके बात करता हूं बड़े बड़े डरो खौफ के लेकिन कोई मुझे बता दे कि नवाज का आखिरी ओवर इस वजह से था कि बाबर ने सोच के रखा कि मैं आखिरी ओवर को वो बाबर की गलती नहीं थी पीछे पूरा मैच तो देखें दस ओवर से लेके बीस ओवर तक ये पूरा हुआ क्या एक एक ओवर जाके पलट के दोबारा देखें जब नवाज को दसवें से तेरहवे ओवर के बीच में एक हैवी ओवर गया है, तो खींचा है बाबर ने शाहीन को लेकर आया शाहीन नहीं कर सका डिलीवर आपके लिए क्योंकि शाहीन फुली फिट नहीं था अब शाहीन को क्या सिर्फ आपने खिलवाया बाबर ने खिलवाया जो रमीज राजा है बैठे हुए पुष किए जा रहे हैं शाहीन 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 वो खेलेगा इंडिया खिलाफ ये करेगा बाबर से ज्यादा बातें तो रमीश राजा की स्टेटमेंट आ रही है तो शाहीन को पुश करने वाले रमीश राजा या आसिफ अली को किसने पुश किया हमको नहीं पता कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान से कौन सी डोरे हिलाई जा रही है और कौन सी नी डोरे हिलाई जा रही है एक दफा आप बोलते हैं कि जी मैं सिलेक्शन भी नहीं बोलता अगले दिन बोलते हैं मैंने उसको बोल दिया ये लड़का इस लड़के के ऊपर होगा हमारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना ये बेवकूफ बना रहे हैं असल में बैच इनको करना चाहिए जो बाहर बैठे हुए लोग हैं टीम मैनेजमेंट हो गए ये हो गए जो में चाचा चौधरी बने हुए उनका किसी किस्म का कोई काम नहीं है उनका किसी किस्म का कोई काम नहीं काश है काश सवारी कहते हैं रोहित ने उठा लिया विराट को तो पूरी नहीं उठाएगा आज जिस तरह की की परफॉर्मेंस दुनिया उठाएगी विराट को अली भाई हैंड्स डाउन पाकिस्तान बेटर टीम टुडे लॉट्स ऑफ इशू फॉर इंडियन पाकिस्तान लॉर्ड टू कोहलीट एंड

वी लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया यूसुफ अली आपने मेरे दो सुपर चैट मिस कर दिया यार इतने तेज आ रहे हैं मैं लेने सब की सबकी कोशिश कर रहा हूं अगर मिस हो गया तो यार आप भी यहाँ मैसेज ये भेजा आपने विराट इज द वर्ल्ड बेस्ट चेज मास्टर देन क्रिकेट हैज़ एवर प्रोड्यूस एब्सोल्युटली करंट डे के अंदर विराट की ना फैंडम के विराट की ना चेजिंग एबिलिटी के कोई करीब नहीं भटकता

और इन लड़कों को यहां से क्योंकि मुझे पता है टीम में ये 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 वाली शकल और ज़रूर सुनी जाती है क्योंकि मुझे बहुत सारों के के मैसेज मैसेज आते आते हैं और के आते हैं और फॉर्मर्स भी कि देख ले भाई नहीं क्या बोला। so worry, हमारी सपोर्ट आपको है लड़के खेलोगे कोई मसले की बात नहीं है आज लड़के खेला लड़कों ने लिटरली मैं तो इमोशनल हो गया था आखिर में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने दो तीन अपने आंसू पहुँचा क्योंकि एक तो विराट कोहली वैसे ही मेरा इमोशनल कनेक्ट जब दुनिया नहीं कर रही थी दुनिया खिलाफ हो गई थी तो एक ही बंदे की वीडियो ऑडियो वायरल थी आज ठीक है मुझे पता है दुनिया लोग दूसरों को ज्यादा देखेगी और सब ओन कर लेंगे विराट को हम हमने बोला था हमने बोला था हमने लेकिन दुनिया में सबको ये पता है कि एक ही बंदे की वीडियो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई हुई थी इज वन नॉक हो आपने भी शायद सुनी हो अगर आप विराट कोहली के फैन है वो मेरी आवाज है तो मैं तो उस वक्त से हूं <laughs> पीछे बैठा हुआ जिस वक्त दुनिया मेरे पर चक्कर करना शुरू कर दिया अभी तू सिर्फ व्यूज के लिए बोलता है विराट अबे तेरा काम ही सिर्फ व्यूज है विराट

फील्ड भी ऑन द फील्ड भी वो जो कामनेस विराट में आई गेस वॉज मिसमेंट इट इज बैक विराट कोहली प्रिंसेस एंड जेंट्री कहते हैं मुगल आजम था किंग कोहली आजम अब हैेख कहते हैं

बट सारी अंधाधुन हिटिंग कर रहे हैं हमारी दुनिया एक यार देखो क्या क्यों मतलब ठीक है आप अंधाधुन बैटिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन सिचुएशन को देखना चाहिए पाकिस्तान साठ रन के ऊपर था

आपकी इंटेंट की नहीं थी आज आपको डिस्पाइट लूजिंग विकेट्स आप नौ विकटे गए दो विकटे गिरी थी पे। आपने खोने के बना हमारे दोनों चले के तो हमने एक चुके थे इंडिया को फिर विराट की इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी कुछ ना कर पाती तो बहुत ही स्लाइटेस्ट मार्जिन का गेम था यहां जो आज पाकिस्तान हारा है और स्लाइटेस्ट मार्जिन था क्या विराट कोहली के डिफेंस को

झपटेंगे अगली हार पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है चार पेसर वाला अंदाजा हो गया होप सो पाकिस्तान प्ले सेमीफाइनल तक पहुंचेगा होपफुली पाकिस्तान और इंडिया दोनों फाइनल तक पहुंचेगा और होपफुली दोनों सेमीफाइनल जाएंगे इंडिया का एक कदम आज सेमीफाइनल के अंदर है तो दिवाली की मुबारकों के साथ साथ एक तो विराट कोहली की इनिंग्स की बहुत बहुत मुबारक और साथ में एक

आप बहुत सारी दफा आप लोग इतने सालों से चैनल के ऊपर आप लोगों ने मुझे कितनी दफा सुना होगा बैशिंग करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत सारी दफा सुना होगा आपको जो आज मेरा रूप दिख रहा है बदला बदला स्वरूप क्यों दिख रहा है क्योंकि आई रिस्पेक्ट हाउ पाकिस्तान प्लेड एट सच अ बिग स्टेज 90000 का ऑफिशियल ऑडियंस उसके बीच में जहां 80% इंडियन डोमिनेंस हो

उसका एक रीजन है रात वाला आप हमारा वीडियो देख लो जो एमसीजी से हुआ था एक अभी इससे पीछे वाला जो सुबह का आज वीडियो है मैं टॉस के वक्त का वो देख लो आज आपको सब जवाब आपके खुद ही मिल जाएंगे सवेरा ने खुद यहां बताया कि शी स्पोक विदाउट टेकिंग एनी नेम समझने वाले समझ जाएंगे और उन्होंने प्लान कल रात को बताया था कि हमारा प्लान क्या है तो गलती बाबर की नहीं है अब बाबर को बेचने के लिए उसको जलील करना तो गरी है लेकिन बाबर की आज गलती नहीं क्योंकि हम आपको गारंटी से बात बता सकते हैं कल रात का आज प्री मैच का वीडियो जाके निकाल के देख लीजिए आप जिसको शक है कि ये बकवास कर रहा है या किसी को बात सुन किसी को बात नहीं सुना रहा हर किसी का अपना और मैं कैसे सुनाऊंगा मैच खत्म होने के बाद तो यहां बैठा हूं। मुझे क्या पता कौन क्या बोल रहा है लेकिन अगर कोई कर रहा है और वो ही समझने को तैयार नहीं है कि बाबर ने इस तरह क्यों आखिर में बॉलिंग लाइनअप खिलाई आप कल रात को जाकर वीडियो देख लें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि क्यों वसीम जूनियर ने खेला किसकी वजह से नहीं खेला और क्यों आज बाबर को आखिरी ओवर पे इंतजार करना पड़ा दसवें ओवर से पंद्रहवे ओवर की इनिंग्स देख लीजिएगा आपको जवाब मिल जाएगा कि नवाज का एक ओवर क्यों बचाता और शाहीन का क्यों नहीं बचाता और आपको एक और जवाब मिल जाएगा जब आप कल रात के दोनों वीडियो देख लेंगे खुल्ला खुल्ला सवेरा वहां बता रही है कि जी क्या होने वाले और कौन सी इलेवन जो सवेरा ने रात को इलेवन बताई वो एक्जैक्ट आज इलेवन वही खेली है पाकिस्तान की तनवीर बशर कहते हैं अली भाई डोंट यू थिंक इन बिग मैचेस पाकिस्तान ऑलवेज फेल टू क्रैक डाउन विकेट्स विकेट्स आफ्टर दे टेक फोर फाइव ऑस्ट्रेलियन सेमीज बात बिल्कुल सही कर रहे हो आप आसिफ अली अस्ट

एक ऑक्सक एट आक्सा कहती है डोंट यू थिंक अगले मैच में शाइन को रेस्ट करेंगे कराना चाहिए क्योंकि शाइन तो मुझे तो फिट नहीं लग रहा बॉस वंडरफुल मैच यस इट वाज अ ब्रिलियंट मैच क्रिकेट एनालिसिस कहते हैं 30 बॉल 50 बट नेक्स्ट 32 बॉल 10 32 रन इन 10 अस्सलाम वालेकुम भाई बोला था तब शान 50 प्लस करता है तो पाकिस्तान हार जाता है। इसी मैसेज के साथ ये मेरा सल्यूट आपको इसी मैसेज के साथ कि जिस आदमी ने आपको 40 बॉल पे 50 करके दिए वो भी अगर ना करता तो विराट कोहली ना ये मैच चौदह ओवर में खत्म करके आपके ऊपर इतना बड़ा नेट रन रेट चढ़ा चुका होता तो रिस्पेक्ट करिए ओपोजिशन की भी और जो दूसरे खेलने आते हैं उन्होंने भी कुछ मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए उनकी भी इज्जत करें क्योंकि जब अपनी इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत पहले करनी पड़ेगी चले जी ख्याल रखिए होती थोड़ी देर मुलाकात थैंक यू टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेन्स एंड हैप्पी दिवाली टू एवरी